बर्बाद कर दिया चोरों ने हम लोगों को। अभी 8 दिन पहले खेरिया में गौरी शंकर वर्मा के यहाँ पर्ची लगाई गई थी, हमारी ग्राम सभा का मामला है, वहाँ नहीं डाल गली, वहाँ पुलिस की ड्यूटी थी, तो हमको बर्बाद कर दिए। आज रात में हमारे यहाँ 3 बजे आकर कुछ अज्ञात चोरों ने छत के रास्ते से और 14-15 लाख रुपए की चोरी करके ले गए, हमको बर्बाद कर गए। सामान गया है, हार, मटर माला, कान की झुमकी, कान के बाला, नाक की नथ, पायल, अंगूठी 4 जोड़ा, कुछ सिक्के चांदी के 35-40, कुछ नगद रुपया, यही सब सामान गया है। कुल 14-15 लाख रुपए की चोरी हुई जो कल रात बीत गई है। अज्ञात चोरों ने हमारे घर में घुस के दोनों कमरों के ताला तोड़ के, अलमारी का ताला तोड़ के उसमें रखे हुए 10,000 रुपये नगद वो उठा ले गए, और मेरे बक्से का ताला तोड़ के उसमें बर्तन हमारे रखे थे फूले के जो पुराने ज़माने के होते थे वो बर्तन ले गए, और आने की शक हमें सुविधा ये है कि पीछे पर आम का एक पेड़ लगा हुआ है उसकी मदद से दरवाजे पे आए, दीवार पे आए, दीवार से छत पे गए, छत पे जीनों के द्वारा घर में उतर आए। फिर हम लोग सर सुबह 5:30 बजे जब जगे तब घर में आए तो देखे सब ताले लटक रहे हैं, तो अंदर पिल के देखा तो हमारे वहाँ चोरी हो चुकी थी जिसकी सूचना सर हमने पुलिस को दे दिया। पर चोरी हमारे गांव में 2 जुगी हुई है, एक दूसरी रात में हुआ है रामचंद्र मिश्रा के वहाँ चोरी, उसके बाद हमारे घर में हुई है चोरी। देखिए आज रात में रामचंद्र मिश्रा और अभिषेक अवस्थी कासा में सूचना मिली कि चोरी हो गई है, तो हम सूचना मिली सुबह तो मैं पहुंची मौके पे तो देखा वहाँ पे काफ़ी सामान उनका इधर उधर उलझा हुआ था, अलमारी टूटी थी और जीना नहीं था, जीने से निकल के लोग आए क्योंकि दरवाज़ा नहीं लगा था। फिर तुरंत मौके पे पुलिस को भी सूचना दी गई, सुबह भी पुलिस आई थी और अभी भी एसओ साहब सब लोग पहुँच गए हैं और पूरी जाँच पड़ताल की जा रही है। बहुत जल्दी ही इस घटना को अंजाम जो दिया इन लोगों ने उसको उजागर किया जाएगा। इससे पहले अभी कई दिन पहले कासा खेरिया में एक पर्चा चिपकाया गया था और चिपका के पर्चे में बहुत तरह की बातें लिखी गई थी और कहा था कि अगर 5 लाख रुपया नहीं दोगे तो यहाँ सबको लूट लिया जाएगा। पुलिस तो वहाँ अलर्ट थी लेकिन ये उसी का एक पार्ट था, गांव का किनारा, इन दो घरों में आज रात में जो चोरी हुई है तो मौके पर पहुँची है। बहुत ही दुखद घटना है। 4:30 बजे करीब गान है अंदर कहीं, हाँ तो बर्तन वर्तन मांजन है ना, चौका लगाए थे के बाद कहीं आपका झाड़ू उठाएं बाहर एक सोचन, तो झाड़ू जब लेके अंदर गए तो देखें कमरा में यहाँ ताला लटकत रहा है, ऐसे कमरे के वाड़ा बंद है तो कमरे के वाड़ा खोलें, कमरे के वाड़ा खोल के यहाँ जब अंदर घुसें तो देखें बक्सा सब तितर बितर बिथरावा पड़ा, तो वो कमरा छोड़ के यहाँ दूसरे में यहाँ घुसन जाए, जब दूसरे में घुसें तो उमा के सारे जब खोलें के वाड़ा तो उमा के सारे बक्सा और अलमारी और जो कुछ रहा सब उमा तितर बितर किन पड़ा। तब आए भैया जगह ना कि भैया उठो देखो हमका लगा चोरी हुई गए। पर्चे पर खिरिया में पर्चा लगा था 5 लाख रुपये की खिरिया से मांग थी, 15 तारीख तक चोरों ने समय दिया था कि मुझे इतने रुपये की डिमांड है, इस गांव से इतने रुपए चाहिए, लेकिन वहां से तो कुछ नहीं, हमारे लोगों के वहां चोरी कर लिए। सर हमारे गांव का नाम कांसा है और जो वो पर्चा लगा था वो कांसा खेरिया में लगा था, दरअसल सर वो मेरे ग्राम पंचायत का ही पुरवा है, वहां पर थोड़ी दूर पे ही सर है, 1.5 किलोमीटर पे बस। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।